Hello guys, today we are going to discuss the topic Globalisation, Chapter 4, NCERT, Class 10th. Under this chapter, first we have to know about the market. India की अगर हम बात करें before independence के पहले जो market हुआ करता था इसमें पूरा का पूरा जो वर्चस्व था we can say control था, it was by the British government और we can say East India Company, British. हम तब देखते थे हमारे यहाँ ग्लोबलाइजेशन जैसा कुछ नहीं था, हमारे यहाँ जो भी मार्केट हुआ करता था वो पूरा ब्रिटिश गुड्स हमारे यहाँ बिकते थे. उसके बाद हमें इंडिपेंडेंस मिली, एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वी कैन से इट इज, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी हमने देखा था हमारे खुद के इंस्टीट्यूट्स बहुत कम थे, हमारे यहाँ फैक्ट्रीज नहीं हुआ करती थी, वी आर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चरल सेक्टर. जब हमने सेक्टर्स इन द इंडियन इकोनॉमी पढ़ा था उसमें भी हमने देखा कि हमारे यहाँ जब इंडिपेंडेंस हमें मिली थी एट दैट टाइम वी आर फुल्ली होली और सोली कंसनट्रेटेड ऑन एग्रीकल्चरल सेक्टर ओनली, हमारे यहाँ कोई भी बहुत कम नॉमिनल कंपनीज हुआ करती थी. अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज तो थी ही नहीं, नाम मात्र की थी, क्योंकि सारी जो हमारे इंस्टीट्यूट थे वो सारे तो ब्रिटिशर्स ने बनाए थे. ये हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में देखा भी था, द फेलियर ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज दैट ओनली. फिर अगर हम जाते हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में जानना और डिटेल में, तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब सबसे पहले तो होता है बाहर की कंपनीज को या बाहर की कंट्रीज को हम अपना मार्केट खुला छोड़ दें, या वी कैन से इट एज हमने कोई चीज़ बनाई है तो हम ग्लोबली उसे हर जगह बेच पाएं. मतलब मार्केट इज ओपन फॉर ऑल, हमारे लिए वर्ल्ड मार्केट ओपन हो, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन थ्रू आउट द ग्लोब. तो यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन के लिए सबसे पहले हमें पता है MNC के बारे में. व्हाट डू मीन बाय MNC? मल्टीनेशनल कंपनीज या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन. मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का मतलब होता है जिस कंपनी का या जिस भी इंडस्ट्री का ऑफिसेज जो होते हैं या आउटलेट्स जो होते हैं वो मोर देन वन कंट्रीज में हो, उसे हम कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनी. अभी काम क्या करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है एक ब्रिटिश या US बेस्ड कंपनी अगर इंडिया में आके कुछ काम करती है तो यहाँ पे फायदे क्या हैं, बहुत सारे फायदे हैं. हमारे यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, हमारे यहाँ गुड्स बनना स्टार्ट होगा. अगर हमारे यहाँ गुड्स बनेगा तो ऑब्वियसली बात है हमारे यहाँ का ही रॉ मटेरियल यूज़ होगा, हमारे यहाँ का रॉ मटेरियल यूज़ होने के बाद यहाँ पे जो लेबर्स आएंगे वो लेबर ब्रिटेन या US से नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि अगर वहाँ से लेकर आएंगे तो उनका पैसा हमें ज़्यादा देना होगा, हमें मीन्स उस इंडस्ट्री को. तो वो रिक्रूट भी किसको करेंगे, हमारे देश के लोगों को ही. तो यहाँ से क्या होगा, हमारे देश के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, मतलब हमारे देश का इकोनॉमिकल कंडीशन भी अच्छी हो रही है, हमारे देश के एम्प्लॉयमेंट्स भी बढ़ रही है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट जो लोग हुआ करते थे बहुत ज़्यादा वो कम भी होंगे. हमने देखा था आफ्टर जब हमारे यहाँ सेकेंड 5-year प्लान आया उसमें हमने सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन पे वर्क फोर्स दिया था कि भाई हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए. देन वी विल गो टू इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज. नाउ व्हाट डज इट मीन इंटरलिंकिंग. हाँ, तो हमने इसमें देखा MNCs कहाँ पर खोली जाती है, MNCs वहाँ पर लगाई जाती है जहाँ पर नियर बाय मार्केट हो, अपार्ट फ्रॉम मार्केट जहाँ पर हमें रॉ मटेरियल इजीली मिल जाए, रॉ मटेरियल के अलावा स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर भी मिल जाए, वहाँ पर हम सेटअप करते हैं MNCs को, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को. फाइन, अब हम देखते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन सेटअप करने के लिए सबसे मेन चीज़ क्या होती है, दैट इज इन्वेस्टमेंट. अब इन्वेस्टमेंट कौन करेगा भाई, इंडियंस को ही अगर इन्वेस्ट करना होता तो वो मल्टीनेशनल कंपनी खोलने की जरूरत नहीं होती. मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती है, जो US बेस्ड कंपनी खोल रही है, US बेस्ड कंपनी यहाँ पे खोल रही है मीन्स वॉट, दे आर डूइंग सम इन्वेस्टमेंट, उसी को हम बोलते हैं फॉरन इन्वेस्टमेंट, और वी कैन से इट एज फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. अब फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब कोई भी कंपनी आपके देश में पैसा इन्वेस्ट करती है, पैसा इन्वेस्ट करने से मतलब है कोई ना कोई कंपनी या कोई ना कोई इंडस्ट्री सेटअप कर रही है, एट दैट टाइम वो पूरा का पूरा पैसा इंडिया में लेकर आ रहे हैं. हम अगर इंडिया की बात करें, या इंडियन कंपनी कहाँ पर लगा रही है, US में लगा रही है, तो इंडियन जो इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं USA में. फाइन, तो इसी को कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. इससे फायदा किसको होता है, इससे फायदा उस पर्टिकुलर देश को होता है जिस पर्टिकुलर देश में इन्वेस्ट किया जा रहा है. क्यों, मैंने भी बताया अभी आपको कि जब भी कंपनी आपके देश में लगेगी तो आपके देश में क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, आपके देश का रॉ मटेरियल अच्छे से यूज़ होगा. हम देखते हैं अलग अलग देशों में अलग अलग चीज़ें बहुत इजी सस्ते दाम पे मिलती है, और वही चीज़ अगर हम अपने देश में बनाएं तो महंगी पड़ सकती है. क्यों, हमारे पास वो रॉ मटेरियल नहीं होता, फॉर दैट वी हैव टू इम्पोर्ट दैट रॉ मटेरियल. हम वो सब ना करें, हम सिंपल सी बात है, अगर US में कोई चीज़ बहुत सस्ती मिल रही है, टॉयस अगर चाइना में सस्ते मिल रहे हैं, हम चाइना से डायरेक्ट इंपोर्ट कर लें. हम क्यों यहाँ पे अननेसेसरी वही चीज़ बनाएं जो चीज़ हमें बहुत महंगी पड़ेगी और हमारे यहाँ ह्यूमन एफर्ट भी ज़्यादा लगे. तो जब चाइना में जो चीज़ बन रही है उसे हम इम्पोर्ट कर लो डायरेक्ट, दैट इज फाइनल गुड, और वो हम यूज़ कर लें. इट इज़ द बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वी कैन से इट इज. ग्लोबलाइजेशन के पहले एक और वर्ड आता है, दैट इज लिबरलाइजेशन. तो व्हाट डू यू मीन बाय लिबरलाइजेशन. चलो इसके पहले एक और चीज़ बता दें, हमारे देश में 1971 में
हम एक इंसान को जानते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह, आर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर. उनको लोगों ने बहुत कुछ कहा कि एज अ प्राइम मिनिस्टर ये बहुत बेकार प्राइम मिनिस्टर थे, बट ही वॉज और ही इज अ रियल हीरो ऑफ इकोनॉमिक्स. आप बोल सकते हो हमारे देश को जिसने बचाया है फाइनेंशियल इमरजेंसी से, वो और कोई नहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह थे. मनमोहन सिंह ने 1971 में हमें LPG लेकर आए और उससे हमें फाइनेंशियल इमरजेंसी से बचाया. LPG दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. लिबरलाइजेशन का बेसिक मतलब क्या होता है? लिबरलाइजेशन का मतलब होता है आपके देश में कोई भी कंपनी, कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी ट्रेड करना चाहे तो वो ईजिली कर पाए. जो हमारी गवर्नमेंट बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, जैसे आप कहते हो ट्रेड बैरियर, वो सारे बैरियर अगर हमारे देश में खत्म कर दिया जाए तो उसे कहते हैं लिबरलाइजेशन को हम सपोर्ट कर रहे हैं. तो हमने सेम चीज किया था. जब लिबरलाइजेशन होगा तभी हमारे देश में ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा. विदाउट लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि लिबरल का मतलब होता है आपके देश की गवर्नमेंट भी सपोर्ट करे कि आपके देश में बाहर से लोग आए और इन्वेस्ट करें, और वही इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करता है. फाइन. हाँ, तो फाइनली वी कैन समिंग अप द डेफिनेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन. दैट इज द ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरलिंकिंग एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज, जिसमें मेजर रोल जो प्ले करता है वो होता है MNCs. MNCs क्या प्ले करता है? MNCs प्ले करता है मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी, इट कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट कंट्रीज. ये कहलाता है ग्लोबलाइजेशन. इसके अलावा जब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या फायदे होते हैं, तो ग्लोबलाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फायदा होता है ये कंपटीशन जनरेट करता है बिटवीन और अमंग कंट्रीज. कंट्रीज में जितने भी मार्केट्स होते हैं, कंट्रीज के मार्केट होते हैं, उनमें जो प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन कई कंट्रीज में बहुत ज़्यादा महंगा करते हैं, कई जगह बहुत सस्ते में होता है. यहाँ पे अगर पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड का जो पूरा का पूरा मार्केट है अगर ओपन होगा हर कंट्री के लिए, तो फॉर एग्जांपल वी आर मेकिंग शर्ट्स, हम शर्ट्स बना रहे हैं जो कि बहुत चीप रेट में बन रही हैं और बहुत चीप रेट में उसे बेच भी सकते हैं. वहीं पे US में जो शर्ट बन रही है सेम मटेरियल से, सेम कंसेप्ट से जो शर्ट्स बनाई जा रही हैं, वो शर्ट्स वहाँ पे बहुत महंगे में बन रही हैं और ज़्यादा महंगे में बेची भी जा रही हैं. तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि हमारा जो इंडियन मार्केट में जो शर्ट्स बनाई जा रही हैं उसके लिए हम ओपन कर दें US का मार्केट और यहाँ से हम चीज़ें वहाँ पर जाके बेचें, तो हमारे मार्केट को ज़्यादा वहाँ तवज्जो मिलेगा, मतलब वो वहाँ पर ज़्यादा सेल आउट होंगी. इससे क्या होगा, कंपटीशन जनरेट होगा US गवर्नमेंट में और US मार्केट में. US मार्केट भी फिर कोशिश करेगा कि हम भी वही टेक्नोलॉजी लेके आए जिस तरीके से इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वर्क कर रही है, और वो भी उसको कम रेट में करने की कोशिश करेगी. गेटिंग? तो हम बोल सकते हैं ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो प्रमोट्स द कॉम्पिटिशन अमंग डिफरेंट कंट्रीज. फाइन. इसके बाद देखते हैं ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें अच्छे से वर्क करें. भाई हमने तो बोल दिया एक जनरली एक आइडियल कंडीशन में कि हर देश में ग्लोबलाइजेशन एक्सेप्ट अगर कर रहे हैं तो ओपन होना चाहिए मार्केट, मतलब वहाँ पे टैक्स बैरियर जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, या टैक्स बैरियर हैं तो बहुत कम, मतलब लिबरल होनी चाहिए वो कंट्री. उसके लिए हमने देखा एक इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनली एक इंस्टीट्यूट बनाई गई जिसे कहा गया WTO, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. अब ये क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक इंस्टीट्यूट है जो कि वर्क करता है पूरी की पूरी दुनिया में देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन अच्छे से वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है. अगर वो देखता है अमेरिका और चाइना के बीच में अगर ट्रेड हो रहा है, अमेरिका अगर ट्रेड बैरियर लगाता है, मतलब जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं दैट टाइम हम ट्रेड बैरियर पर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब हम इम्पोर्ट करते हैं तब हम ट्रेड बैरियर पर बात कर रहे हैं. मतलब वो क्या चाहता है कि चाइना हमारे यहाँ कोई चीज़ ना भेजे, क्योंकि चाइना अगर हमारे यहाँ भेजेगा तो हमारा मार्केट डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन जब भेजने वाली बात आती है तो हम उसे एक्सपोर्ट करते हैं ट्रेड बैरियर लग करके. इस समय ये जो होती है मॉनिटर करता है और देखता है कि भाई अगर आप मेरे मेंबर हो, मतलब इफ़ यू आर द मेंबर ऑफ WTO, देन यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर मेंशन बाय WTO. WTO की सारी शर्तें आपको माननी पड़ेगी. मतलब आप बोल सकते हो WTO का खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है. यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन. तो दे देमसेल्फ हैव देयर ओन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर टू बी फॉलोड बाय द मेंबर कंट्रीज. मेंबर कंट्रीज, हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर देयर इन दिस इंस्टीट्यूट? देयर आर टोटल 164 कंट्रीज. 2016 मैं हमारे यहाँ जो हो गई थी 164 कंट्रीज हो गई थी. NCERT की बुक में जो अभी है उसमें 2006 का डेटा लिखा हुआ है जिसमें कंट्रीज लिखी है 149. फाइन. तो इट इज द एक्चुअल प्रेजेंट डेटा, यू हैव टू राइट दिस डेटा. नाउ लेट सी द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया. क्या हुआ इंडिया में, हमने देखा पिछले 20-25 साल से
बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज ने इंडिया पे भरोसा दिखाया. भरोसा दिखाया का मतलब है इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है. इन्वेस्ट किया है हमारे यहाँ बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं आज की डेट में, जो कि सेलफोन से हैं, सेलफोन कंपनीज, इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड कंपनीज, आईटी बेस्ड कंपनीज, फूड प्रोसेसिंग बेस्ड कंपनीज एंड ऑटोमोबाइल्स बेस्ड कंपनीज. मतलब हमारे यहाँ बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं बिकॉज दे आर सीइंग और दे आर थिंकिंग दैट इंडियन मार्केट वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा मार्केट है, जहाँ पर अगर आप आकर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको प्रॉफिट ही मिलेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, इससे फायदा इंडिया को क्या हो रहा, हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही है. ठीक है, ये फर्स्ट था. सेकेंड पॉइंट देखें तो इंडिया में ही ऐसी बहुत सारी कंपनीज थी जिसको मौका मिला है कि वर्ल्ड का कॉम्पिटिशन वो सामने देख पाएं, और वर्ल्ड कंपटीशन में जब वो पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको नई नई टेक्नोलॉजी के साथ आमने सामने करना होगा, और नई नई टेक्नोलॉजी को वो खरीदेंगे और नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे, जिससे हमारे यहाँ इंडियन कंपनीज, बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जिसको मौका मिला मल्टीनेशनल कंपनी बनने का, जैसे टाटा, बिरला, दे हैव इवॉल्व्ड एज अ मल्टीनेशनल कंपनीज बाय देमसेल्फ. सो एट द एंड वी कैन से ग्लोबलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एनी इकोनॉमी. किसी भी देश की इकोनॉमी को अगर बढ़ाना है तो दे हैव टू प्रमोट ग्लोबलाइजेशन, एंड इन फ्यूचर वी कैन से मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड विल ऑलवेज फॉलो ग्लोबलाइजेशन. थैंक यू. टुमारो नेक्स्ट डे वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक.